विवाह के आयोजन से समाज में एकता का संदेश जाता है, साथ ही आज के दौर में खर्चीली शादियों के इस दिखावे से दूर इस तरह के आयोजन होने से समाज मजबूत होता है। यह बात पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने की, जो कि गुर्जर समाज द्वारा 77 जोड़ों के सामूहिक आयोजन में पहुंचे थे। यादव ने नव दंपतियों को शुभ आशीष देते हुए परिवार में हिल मिलकर रहने की बात कही। इसके बाद बड़वा विधायक सचिन बिरला, माधंता विधायक नारायण पटेल, पूर्व सांसद ताराचंद पटेल ने भी वरवधु को आशीर्वाद दिया। आयोजन में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान, पूर्व महिला चिकित्सा बाल मंत्री अर्चना चिटनिस ने सामूहिक विवाह में शामिल होकर नवयुगल को शुभकामनाएं दी। जोड़े सहित अपने हाथ में फूल चावल और आटे का एक गोला रखा है वहाँ पर आरती की थाली में, उसको अपने दाहिने हाथ सीधे हाथ में ले लें और कन्यादान का संकल्प यहाँ से बोला जा रहा है उसको आप जोड़े सहित अपने हाथ में फूल चावल और आटे का एक गोला रखा है वहाँ पर आरती की थाली में, उसको अपने दाहिने हाथ सीधे हाथ में ले लें और कन्यादान का संकल्प यहाँ से बोला जा रहा है उसको आप इस स्मृति चिन्ह में हमारे ऐतिहासिक स्थल महेश्वर का प्रतीक। आयोजन समिति को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारे लोग कल से मैं कई जगह जा रहा था और पीछे से भी कान में भी कह रहे हैं मुझे। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई सरकार आने के बाद किया। पहले 25,000 रुपया सामूहिक शादी के लिए मिलता था, अब 51,000 रुपया जस्ट डबल हमारी बेटियों को उनके सामूहिक विवाह के लिए दिया जाएगा और 3,000 रुपया समिति को दिया जाएगा। ये निर्णय और ये पैसा सीधा सीधा वधु के खाते में जाने वाला है, जिससे वो अपने भविष्य के लिए कुछ जमा राशि अपने घर में रख सके। ये निर्णय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी की और नई सरकार आने के बाद हुआ है। पूरे प्रदेश भर में इसको लागू करने का काम किया गया और अनेक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर दिए गए। कुछ चर्चा हुई समिति को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे मुख्यमंत्री। सनावत से ग्राउंड रिपोर्टर विवेक सत्यार्थी की रिपोर्ट।